श्री उदय प्रताप सिंह जी के स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है सचिव स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर संजय गोयल जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे अतिथिगणों के स्वागत के साथ ही हम अपने सभी शिक्षकों का स्वागत कर रहे हैं जो इस सभागार में उपस्थित हैं, जो अपनी मेहनत से अथक परिश्रम से अपने विद्यार्थियों को रचते हैं, गढ़ते हैं, क्योंकि छात्र में ही शिक्षा का प्रतिबिंब दैदीप्यमान होता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित हैं माननीय मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन श्री उदय प्रताप सिंह जी। भारत माता की, आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान एवं गणवेश की राशि का बच्चों के खातों में सीधे हस्तांतरण के इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमारे बीच कृपा पूर्वक पधारे हमारे मध्य प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल महामहिम आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपसे भी आग्रह जोरदार तालियां बजाकर माननीय का अभिनंदन करें। हम सबको नेतृत्व दे रहे जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने लगभग एक वर्ष में अनेक ऊंचाइयों को छुआ है, ऐसे हमारे नेता मध्य प्रदेश सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सदैव डॉक्टर मोहन यादव जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते। मंच पर विराजमान हमारे शालेय शिक्षा में हमारे सचिव आदरणीय डॉक्टर संजय गोयल जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग आदरणीय डॉक्टर ई रमेश जी, हमारे आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी और संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर जी, मैं पूरे मंच का बहुत हृदय से स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ। सामने विराजमान जिनका आज हम सम्मान करने वाले, ऐसे हमारे आदरणीय शिक्षकगण, उनके किए कार्यों के लिए हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं और आगामी समय के लिए उनको बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। विराजमान सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदरणीय उपस्थित जन, पत्रकार के हमारे साथियों, शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण, बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं है, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आप सबके बीच में काम करने के लिए मुझे सौंपी गई और माननीय के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में पिछले एक वर्षों में लगभग 10-11 महीनों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि चलती हुई शिक्षण व्यवस्था को उससे बगैर बड़ी छेड़छाड़ किए बेहतर परिणाम, बेहतर व्यवस्था, बेहतर संसाधन, बेहतर परिवेश और हमारे जो बच्चों का है उनकी परफॉर्मेंस श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे हम उनसे निकाल सकते हैं, इस पर हमारे विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया। मुझे आदरणीय बताते हुए खुशी है कि हमारे पूरे प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 36,000 हमारे जो शिक्षक हैं या तो उनका उच्च पद प्रभार में प्रमोशन किया है या जो ज्यादा संख्या जहां पर थी वहां कम जगहों पर अतिशेष में उनको व्यवस्थित करने का काम किया है। मैं सभी शिक्षकों का उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए, क्योंकि 37,000 लोगों की व्यवस्था